देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। आत्महत्या करने वाले विद्युत कर्मचारी के केस जमा करने के मामले की जांच करने पहुंचे अधिकारी। विद्युत विभाग के कैशियर वेद प्रकाश ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 12 लाख रुपए जमा नहीं किए थे। इस मामले की जांच करनी विद्युत विभाग के अध्यक्ष अभियंता सुनील कुमार सोमवार को विद्युत डिवीजन कार्यालय जांच करने पहुंचे। बताते चले कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कुमार सौरभ ने आत्महत्या करने वाले कर्मचारी को 12 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए धनराशि जमा कराने को जारी किया था। कारण बताओ नोटिस। परिजनों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता पर लगाया मानसिक शोषण कर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप। इस मामले की जांच करने विद्युत विभाग के अध्यक्ष अभियंता सुनील कुमार विद्युत वितरण खंड कार्यालय पहुंची और अधिशासी अभियंता ई कुमार झा से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विद्युत विभाग के अध्यक्ष अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि कर्मचारी वेद प्रकाश की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। लापरवाही का इसमें नहीं है क्योंकि अभी पहले जांच होगी। इसमें पैसा तो उसी के उसको जमा कर देना चाहिए था, वो जमा नहीं है। लेटर्स भी उसको लिखे गए हैं खंड से, तो अब चूंकि वो पैसा जमा वो आत्महत्या हो गई है तो अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उसके बयान वगैरह तो अब लिए नहीं जा सकते और पैसा जमा हो जाना चाहिए था। अब क्या उसकी घरेलू कोई और परेशानी है वो भी अभी हम लोग यहाँ ये पुलिस में इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा कि क्या मामला है। जो उसके सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं वो हम जल्द से जल्द दिलवाएंगे। जैसे परिवार को जो लॉस हुआ है वो तो रिकवर नहीं कर सकते हम, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ आर्थिक सहायता जो विभागीय है उसको हमने बहुत तेजी से उसको दिलवाने को निर्देशित भी कर दिया है। मैं स्वयं उसके घर पे भी गया था, मिल के आया हूँ। उसका बेटा बेटे से मुलाकात भी हुई है और यही पता चला वहाँ पे कि वो बेटा काउंटर पे बैठा हुआ था और वो कह के चला गया था कि हम जो है अभी बैंक जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। और इसके बाद वो नहीं लौटा और वो पुराने वाले अपने किसी मकान में जाके वहाँ आत्महत्या कर ली उसने। तो लेकिन आगे अब इसका जो भी सहायता है अब वो दिलवाएंगे और पुलिस अपना इंक्वायरी पूरी करेगी। वजह क्या रही आत्महत्या की? वजह तो हम नहीं बता सकते, ये तो पुलिस ही बता पाएगी सही, क्योंकि वजह तो आंतरिक निश्चित रूप से कोई 4-5 दिन का कैश से तो के कारण तो आत्महत्या नहीं कर लेगा। इतनी धनराशि भी 5-6 दिन का जो उसने पैसा जमा किया वो पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। वो 12 लाख के लगभग था, वो पैसा उसके हाथ से खर्च नहीं हो सकता। यदि कोई पारिवारिक समस्या के कारण अन्य में उसने वो रोटेशन में या कहीं कहीं पैसा लगा रखा है तो वो एक हम नहीं बता पाएंगे, वो तो परिवार ही बता जमा ना करा पैसा नहीं पर पैसा जमा। अब ये तो रसीदें और भी दिखवा रहे हैं क्योंकि वो तो जो पैसा जमा करता है बैंक में उसकी रसीद लाके हमारे काउंटर पर जमा होती है। वो जब है ही नहीं तो अब ये तो बैंक से मिलान करके चेक कर लेंगे, निश्चय हो सकता है कुछ पैसा जमा हो। लेकिन जब पैसा जमा हो जाता है तो उसकी रसीद लगा के स्टेटमेंट यहाँ जमा किया जाता है, उसके बाद यहाँ खंड से रसीद कटती है। तो लेकिन जब उसकी जितने दिनों की वो उसने लाके रसीद नहीं दी थी बैंक में जमा करने की, उतने बारे उसको जो है वो अभी ये माना गया कि पैसा जमा नहीं है। लेकिन वो शायद आज हमें ये दिखाई दिया कि शायद कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा भी है, उसका मिलान करा रहे हैं। जो उसके बेटे ने हमको दिखाया कि साहब ये तो हमारे पापा ने बैंक में जमा कर रखा था, ओरिजिनल रसीद हम पे नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, ओरिजिनल नहीं भी है तो भी हम उसे मिलान करा लेंगे और जो निकलेगा वो उसके अलावा जो उसके होगा वो जमा कराया जाएगा, करेगा, हो जाएगा। और विभाग अपनी जांच कर रहा है। केस जमा करने के दबाव में यह आत्महत्या नहीं लग रही है और कोई वजन भी हो सकती है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। विभाग वेद प्रकाश द्वारा जमा किया गया केस के बारे में भी जांच करने में जुटा है। मृतक वेद प्रकाश पर 12 लाख रुपए बाकी चल रहे थे जो जमा नहीं किए थे, उसकी भी जांच चल रही है। वेद प्रकाश ने 12 लाख रुपए में से कितने रुपए विभाग को जमा किए हैं मृतक के परिजनों को भी मिला है। उनके अनुसार रुपए जमा करने की रसीद भी बताई गई है जो बैंक की डिटेल आने पर बता चलेगी। ये कर्मचारी आज इकट्ठा क्यों हैं? ये कर्मचारी आज हमारे एक वेद प्रकाश डिजिटू थे जो अभी इन्होंने एक्शन सामने पत्र जारी कराया है कि 12 लाख कुछ रुपए आपके ऊपर निकल जाएगा उनका और उसके विरोध में कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जबकि पैसे की पुष्टि अब जब कराई गई है, रिकॉर्ड से मिलान कराया गया है तो पता पड़ रहा है कि 9 लाख रुपए से ऊपर जमा हो चुका था और कर्मचारी को
व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से उन्होंने अकाउंटेंट साहब ने भेजा या जिस किसी ने भेजा है, और उन्होंने इतना पैसा ना निकलते हुए उन पर प्रेशर बनाया गया जिसके कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इसके मिलान कराया जाए पैसे का, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, और जो हमारे साथी की मृत्यु हुई है उसके परिवार को पेंशन नौकरी जो भी है उसके वारिसान को वो दी जाए। क्या नाम आपका? डिवीजन के लेखाकार दीपक कुमार ने बताया कि मृतक वेद प्रकाश पर 12 लाख रुपए बाकी था जो जमा नहीं किया गया था। 12 लाख रुपए में से कितना जमा किया गया है उसकी अभी जांच चल रही है। वहीं बिजली यूनियन के जिला अध्यक्ष रियाजुद्दीन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भी डिवीजन कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को मदद व परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग की है। जो आत्महत्या करी है इन्हें कर्मचारी ने, इतना कितना पैसा जमा करा था आपके पास? ये देखिए, हर तारीख का अलग अलग पैसा होता है। अब तक सारा पैसा कितना जमा करा था? इस लड़के ने जो मरा है आत्महत्या करी, पहले बात तो कि हर दिन का पैसा अलग अलग जमा होता है जी। इसके द्वारा कितने पैसे जमा किया गया? आप ये पूछे तो ज्यादा बढ़िया, कितना पैसा बकाया रह गया है आज की तारीख में, क्योंकि अब आगे तो बढ़ नहीं सकता। तो पीछे बकाया कितना रहेगा? बकाया जो स्लिप जो से लेटर दिया गया था उसके हिसाब से 12 करीब था, वो आपने लेटर भी देखा होगा बड़े साहब को, 12 लाख रूपए बकाया था इस पे। 12 लाख में कितना जमा किया इसने? अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ रसीदें हैं जो ये पहुंचाई हैं, उन्हें चेक करने के बाद ही बताया जा सकेगा कितना जमा है। आपने चेक नहीं करा कितना जमा है? वो तो अभी आज ही आई है ना, आज ही आई है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। दीपक, कौन से पद पे आप? मैं अकाउंटेंट हूँ।